1897 में भारत के पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक ब्रिटिश हुकूमत अपने पैर जमा चुकी थी। भारत की एक सरहद अफगानिस्तान से जुड़ी थी, जहां पर अमेरिकी सल्तनत थी, जिसने ब्रितानी हुकूमत से समझौता कर लिया था। लेकिन अफगानिस्तान की उस सरहद पर कई कबीले ऐसे भी थे जो ना उस समझौते से राजी थे और ना ही उन पर अमीर का जोर चलता था। ये कबीले सरहद पार से आकर भारत की धरती पर अक्सर हमले करते थे। उन्हें रोकने के लिए सरना घाटी, फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट पर 36वीं सिख रेजिमेंट के 300 सिपाही तैनात किए गए थे। लेकिन कुछ कबीले एक सरदार के नेतृत्व में जुड़कर अपने हौसले और इरादे बुलंद कर रहे थे। एक विशाल हमले का खतरा सरहद पर मंडरा रहा था और इस बढ़ते खतरे का ब्रितानी हुकूमत को अंदाजा भी नहीं था। सुल्तान, अगर मेरे खून का एक भी कतरा गया तो तू जीता। दम दिखा सुल्तान, दम दिखा। तुम्हारे को सीखने के लिए भी बहुत कुछ है सुल्तान, बहुत कुछ है। कीजिए भाईजान, पर आप ही से सीखा है जंग के मैदान में रहम नाम की कोई गुंजाइश नहीं। जिस दुश्मन का ध्यान बढ़ जाए सबसे पहले वार उसी पे करना। भाई और दुश्मन में फर्क होता है, तू भाई है। गुलबादशाह, मंसूबा नाकामयाब रहा। वक्त आ गया है उन फौजी सरदारों को जवाब देने का। वक्त आ गया है अपनी ताकत बढ़ाने का। Is here to brief us. हमसे कुछ कहना चाहते हैं। छत्तीस सिख रेजिमेंट 160 बंदे आपके सामने है साहिब, आगे पोजिशन पर।
हमें खबर मिली थी कि सरहद पर हलचल है, कुछ अफगान हमले की फिरक में है, और ये खबर सच निकले। सुबह हमारी यूनिट के मेजर डेबू और 3 फौजियों पर हमला हुआ। हमले करने वाले लोपटे और एक्साइज कुल बच्चा। जहाने की वजह फतेह हिंदुस्तानियों के खिलाफ फतेह। आज का हमला आखिरी हमला नहीं था, मुझे यकीन है गुलबच्चा फिर तैयारी करेगा और बड़ी तैयारी। नहीं सर, सर अफगानिस्तान के अमीर के साथ हमारी ट्रीटी है, जिसका मतलब है कि सामना घाटी हिंदुस्तान का हिस्सा है। आमिर का फैसला मेरा फैसला नहीं है मोहम्मद अल्लाह, हमारा फैसला नहीं है। एक लकीर खींच देने से ये जमीन उनकी नहीं हो जाती। दमनगाती ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी यानी हिंदुस्तान का इलाका। यहाँ मौजूद है ये 2 किले, फोर्ट लॉकहार्ट जहाँ हम कह रहे हैं, और दूसरा फोर्ट गुलिस्तान। इन दोनों किलों के बीच 3 किलोमीटर की दूरी है और हमें इन्हीं 3 किलोमीटर की रक्षा करनी है। लेकिन डर कैसा साहब, हम उन्हें आराम से हरा देंगे। गुलबादशाह के पास अगर 300 तो दोनों किलो को मिलाकर हमारे पास 500। वो 300 नहीं है हीरा सिंह, मैं अपनी ताकत तो बढ़ाने आया हूँ। अगर तुम्हारे और मेरे खेमे एक हो जाए तो 300 से 1000 हो जाएंगे। वो 5000 भी हो सकते हैं और 10000 भी, पर हम शायद 500 ही रहेंगे। हामी भरा हूं मोहम्मद अल्लाह। मैं हामी नहीं भरूंगा गुलबादशाह, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। मोहम्मद अल्लाह, यहां आकर एक होने का सबक तो दे दिया गुलबादशाह, पर अपने इस भाई को सबक नहीं दे पाए तुम। जब इसने मेरी बहन के साथ धोखा किया तब कहां थी तुम्हारी यह तकरीर, यह जज्बा? यकीन का सिक्का जीत से जीता जाता है गुलबादशाह, भीख में नहीं मांगा जाता। ये जंग का मसला है, आपसी रंजिश का नहीं। जो आपसी रंजिशों में ईमानदारी ना दिखाए वो जंग में क्या दिखाएगा सुल्तान अली। महमदुल्ला अपनी जबान पे लगाम खींच, अपने औकात में रह सुल्तान। मिलेगा यकीन कस्से का महमद अल्लाह। जो बच्चों घर इस्तेमाल करने से न कतराए वो सरहद पार कर सकते हैं। दुश्मन चाहे हद पार करे या सरहद, चाहे घोड़ा पर आए या हाथियों पर,
इस घंटी का नाम है सामना और यहाँ पे खड़ा हर एक फौजी उसका सामना करने के लिए तैयार है। मिट्टी साथी मिट्टी है साहेब, साथी जमीन है हिंदुस्तान की थी हमेशा हिंदुस्तान की रहेगी। सरहद की लकीरें क्यों ना मिट जाए, हम उन लकीरों को अपने खून से सींचेंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था 1,25,000 से एक लड़ावा, तेरा गोविंद सिंह नाम को आवा दुश्मन चाहे 2,000 हो या 10,000 36 रेजिमेंट का हर एक फौजी उसका मुंह तो जवाब देने के लिए तैयार है। बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। Of course, chancing. साहब टेलीग्राफ लाइन की रक्षा करके और सरहद में गश्त भेजकर हमसे वर्तमान की सोच रहे हैं जबकि हमारा दुश्मन भविष्य की तैयारी कर रहा है। तो हम भी अपनी भविष्य की तैयारी करेंगे, बस किसी तरह अपनी फौज बढ़ानी होगी। But sir, reinforcements के लिए हेडक्वार्टर्स ने मना कर दिया है। What can we do? साहिब मेरी बीवी मां बनने वाली है, छुट्टी के लिए दरखास्त डाली थी पर छुट्टी मिली नहीं। साहिब मैं छुट्टी चाहता हूं। मैं नहीं देना चाहता साहिब, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। I said, छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों छुट्टी नहीं मिलेगी, 6 महीने पहले बताया ना। इधर आओ बेटा सिंह, come on, don't be shy old chap, nothing to worry about, closer closer. Come on, a bit closer. A bit more closer. That's perfect. So, तुम अपने सीनियर ऑफिसर के हुक्म मना कर रहे हो? वो बात नहीं साहब, मुझे जाने दो, मैं 2 हफ्तों में वापस आ जाऊंगा। मना कर दिया ना? आप अफसर लोग भी तो जाते हो छुट्टी पर, पिछले महीने आप ही तो गए थे ना। अगर आपको छुट्टी मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं, क्या हम इंसान नहीं है? Stop! बुटा सिंह, या तो अभी मुझसे माफी मांग लो या फिर सजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। 3 तक गिनूंगा, माफी मांग लो, माफी मांगो। Apologize, Bhuta! Apologize! Kamala Naman, maafi mangala. Ek! Teen! Scoundrels! Both of you!
मुझसे बचकर रहना। कमजोर नहीं है बुट्टा सिंह, जो गुलाम बनकर इनके आगे झुक जाए। फौज में इसलिए भर्ती नहीं हुआ कि ऑर्डर पहनूं, उनके सम्मान कमाने के लिए हुआ हूं। चल तो वीरे, वीरे, ठीक है तू? ठीक है सीन। बॉयज़ ना मिले, बॉयज़ ना मिले। क्या होना है पुत्र, चल चल के कट्ठे रोटी खा ले। कैसी सुनी? जिंदा। कैसी सुनी? इशर है, पुत्र आ जा बैठ के कट्ठे रोटी खाने आ। जिंदा। बोले आया बाबूजी। आ जा आ जा। इशर है, पुत्र आ जा बैठ के कट्ठे रोटी खाने आ। Thank you.
ली है। मेरे से गया बापू, मेरा पुत्र इस जंग के लिए सिपाही चाहिए। रोते बिलखते बच्चे नहीं, ये बात अपने दिल और जहन में डाल लो। और याद में सिपाही का खून जाता है। हां सुने तो टोटली 17 इंजर्ड सोल्जर्स, बट थैंकफुली सभी खतरे से बाहर है। हर एक गोली के लिए एक दुश्मन, बट अगली बार अगर जंग होगी तो असला काफी नहीं होगा। यस चंद सिंह, गुरुद्वारे में अरदास की थी साहब, ये प्रसाद। अरदास इज प्रेयर,
सब थैंक यू चांस सब इट्स वेरी टेस्टी तो और मिलेगा बिल्कुल सब थैंक यू सब आप सब गुलिस्तान के फौजियों के लिए कढ़ाई पर प्रसाद आपके अर्दली के पास रखवा दिया शुक्रिया और हाँ चंद सिंह अगली बार जब अरदास करो तो ये मांगना की कोई और अक्साय वापस जिंदा ना लौटे नहीं लौटेंगे साहब इस बार 1000 आए थे अगली बार 2000 आएंगे फिर भी हारेंगे जंग जीतने के लिए असला नहीं लगता साहब जज्बा लगता है तुम ठीक कह रहे हो चंद सिंह अगली बार और अक्साय 200 की नहीं 2000 की तैयारी करेंगे और अगर लॉकहार्ट पर अटैक हुआ तो गुलिस्तान को मदद करनी होगी और अगर गुलिस्तान पर हुआ तो लॉकहार्ट को हमें बस ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिसे दो किले एक दूसरे को मैसेज पहुंचा सके एक ऐसी तरकीब जिसे औरकज़ाई टेलीग्राफ लाइन की तरह काट न सके और हम दुश्मन पर नजर रख सके इट्स एब्सोल्युटली इंपेरेटिव दैट वी डू दिस सर वी हैव अ लॉट एट स्टेक यू आर एब्सोल्युटली राइट मेजर कारतूस से खेलने की उम्र नहीं है तेरी चल नीचे आ कारतूस के बिना बंदूक किस काम की ए तुसी रख लो पहला फिर दे दे मेरे काम तुसी रख लो इसी आप रोटी नहीं खा रहे तू खा भी ले मैं बाज खाना है इसकी चाची ने सब कुछ सिखाया लेकिन डरना नहीं सिखाया इतना अच्छा जाएगा सब पढ़ कर ले आएगा तो सुट भी देगा और काट लेगा तेरे को तेरी पोस्टिंग ठीक है पोस्टिंग ठीक नहीं है बाबा जी क्यों अफगानियों का एक कबीला है और अक्साई नाम से उस सामना घाटी पर हमला कर उस पर कब्जा करना चाहते हैं आप समझो बाबा जी ये रोटी हमारी जमीन है इस जमीन की सरहद पर ना और सही खेमे है साड़ी जमीन पे दो किले हैं किला लुकाट और किला गुलिस्तान हमारी 36 सिख रेजिमेंट इन दोनों किलों का ध्यान रखती है और उपजाई दोनों किलों पर कब्जा कर ये जमीन को हड़पना चाहते हैं लुकाट की मदद सिर्फ गुलिस्ता कर सकता है और गुलिस्ता की मदद सिर्फ लुकाट कर सकता है ये दोनों की मदद करेगा तू आजा आजा रोटी खान दे तू ही खा पुत्र जी बाबा जी सत श्री अकाल सरदार जी जी मैं मिंटू वो गुरुद्वारे वाले भाई जी का भतीजा आ जाओ फिर रोटी खा ले नहीं जी आपको सिखा दूँ मैं नहीं खा आपको याद है जब मैं खेतों से मूलियां चुरा के आपको देता था और आपके बाग में भी बहुत बार मैंने आंबिया चुराई थी असल में लस्सी भी पी रही थी कितनी बार अपनी तारीफ ही करता रहेगा या आगे भी कुछ बोलेगा भी रे हाँ जी हाँ जी मुझे भाई जी ने बुलाया आपको गुरुद्वारे में एक पहलवान आया हुआ बरनाले से जी कुछ गंभीर मसला लगता है जी बरनाले से और बरनाले में जो बूटा रहता ये पहलवान कौन है आशीर्वाद ने सब ठीक है ईश्वर सिंह
बरनाला दे नहर सिंह ने शिकायत की थी है कि तू बूटा सिंह नाल मिलके ओदे नाल मारपीट की थी है, ओदे नाल बड़ा हाथापाई की थी है। सदा जी ऐसी तो बाबा जी ईश्वर सिंह जी ने रोक लिया था मुझे, नहीं तो मैं इसको इतना मारता कि से घर वाले भी ना पहचान पाते। और जहां बैठा ना होता है औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा था और उसकी फसल जलाने की कोशिश भी किया इसने और दमकाया अलग उस वजह से। शाबाशी देनी है तो प्यार से दो। सुना जिसे मारा है जानदा वो कौन है? एक नंबर का बदतमीज इंसान हो रहा है वो मेरा। तो मेरे भाई साहब बात ना बहुत चौड़ा हो रहा है, कोई मत ना वो बात लगा कर। ओ बूटा हट रख। बलविंदर आराम से बात करते हैं ना जी। ना मैं ना कोई गल करनी है ना सुननी है, मैं तो इत्थे इन दोनों को अपने भरा से माफी मांग के देखने आया। माफी योगी ऐसी भूल जा। ओ जी बूटा क्यों से मैं आपके भाई से माफी मांगने के लिए तैयार हूं। एक मिनट बूटा कोई गल ही, और माफी मांगने से कोई छोटा थोड़ी ना हो जाता है। मैं जी तैयार आपके भाई से माफी मांगने के लिए, वो गलती तो हमसे हुई है, हमने माफी मांगनी है। और गलती तो आपके भाई नार सिंह से भी हुई था, मेरी विनती थी कि वो भी उस औरत से माफी मांग लेता तो बढ़िया था। मेरे प्रा से माफी मांगना चाहता है तो और पंचायत का सम्मान कर लेते हैं। और जी मैं गांव वालों का सम्मान करता हूं ते जी माफी चाहते हैं हम लोग। माफी ईश्वर पुत्र जात। हां जी अब बेटा चल चल के सर आओ बाबा जी। ये हरकत तेनो बड़ी महंगी पड़ेगी सरदार, बड़ी महंगी। मेजर डीब को ऑर्डर है लोकहाट और गुलिस्तान के बीच एक बंकर तैयार करेंगे ताकि दुश्मन पर नजर रखी जा सके। काम सूर्य डूबने से पहले हो जाना चाहिए। जागो 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 भोर है खड़ी, अपने चमन पे भारी है वतन पे रात की घड़ी। जागो 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 रात है बड़ी, अपने चमन की रात है वतन की बेसरा घड़ी। किवाड़े सारे हाथ में ये लोग तलवारे, दुश्मनों की ढाल तोड़े सब गिरेंगे बारे बारे। छाती तान पगड़ी बान सीने में क्या है तूफान, घर से सिर गिरे भी सारे हाथ। और पहले फौज बंकर बना रहे। इनको लगता है बंकर बना के हमारा कुछ बिगाड़ लेंगे। हाथ का बदला हाथ, आँख का बदला आँख।
इश्क इंसान को सब कुछ सिखा देता है। हमारे गांव की नहीं थी वो, उसका खेत दरिया के उस पार था और मेरा इस पार। मेले में दर्शन हो जाते थे उसके, हिरनी जैसी चाल, नागिन जैसी चोटी। अपने दिल की आवाज उस तक पहुंचानी थी, सीख लिया मैंने निशाना बांधकर अमरूद उस तक पहुंचाना, और अमरूद के साथ एक चिट्ठी भी। वाह पोला सिंह। और अब ना वो भाग रहे और ना वो कुड़ी, और हाथ में रहेगी ये बंदूक कमीनी। ओ पोला सिंह। ये हो गया बोले, कुछ हलचल हो रही है। वो कबीले वाले होने हैं, तेरी कहानी बड़ी बढ़िया, आगे सुना। और नहीं लाल सिंह जी, ये दूरबीन के साथ देख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये किले की जासूसी कर रहे हैं। तुसी रुको, मैं देखता हूं इनको। वो की करन लग गया भोलिया। कोई नहीं, देख लेते हैं ऐसे भी। चलो देख लेते। जिंदा है। क्या करें, औरंगजेब को सारा गड़ी भेज देते हैं, बाकी ईश्वर भाई तय करेंगे क्या करना है। साहेब सिंह जी, बाजी आप इसे ईश्वर पाजी के पास ले जाओ। जी बच्ची। और हाँ, पानी के छींटे मारते रहना, देखना कहीं मर ना जाए। जी बच्ची। अगर आप इस तरह बेचैन रहेंगे तो क्या करूं साहिद, मेरी आंखें बेचैन है हिंदुस्तानी और अंग्रेजी लाशों को देखने के लिए। हाँ, मैंने जिंदगी बख्शी, लेकिन इशारा भी किया कि वो इस जंग में हमारा साथ नहीं देगा, पर वो चाहता है जीत हमारी हो। इंशाल्लाह। लेकिन हमें आपकी फिक्र होती है, जख्मों पे मरहम लगाने का वक्त भी नहीं देते आप। ये जख्म जरूरी है दुश्मन की याद को जिंदा रखने के लिए, लेकिन खुद का ख्याल रखना भी तो जरूरी होता है। तुम गले लगा लो, वही मरहम है। सर कलम कर देंगे हम इसका।
अगर इस गुस्ताखी की वजह कोई खुशखबरी है तो ठीक है, वरना गुस्ताखी माफ हो सरदार, लेकिन खबर इतनी जरूरी थी कि आपकी इजाजत लेना भूल गया। दरअसल हम लोग सारा गाड़ी पर नजर रख रहे थे और शमशेर घायल हो गया और पकड़ा गया, लेकिन मैं बच गया। जनाब सारा गाड़ी पर सैकड़ों हिंदुस्तानी सिपाही है। जो खबर मुझको मिली है उसके हिसाब से तो 20 से 25 सिपाही। तुमको इतने सारे कैसे देख गए? गिनने का वक्त नहीं था सरदार, लेकिन इतना तो तय है कि वहां पर 1000 से ऊपर सिपाही है। सारा गढ़ी के आसपास उन्होंने एक चाल सा बुन रखा है, इसलिए तो हमारा दोस्त उनका शिकार बन गया। मन तो करता तुम्हारा सर कलम कर दूं, लेकिन जा तुम्हें बख्श दे, दफा हो जाओ। दुश्मन की ताकत बढ़ती जा रही है शायद, अब इससे पहले वो सारा गिरी को एक मजबूत किले में बदल दें, उन पे हमला बोलना पड़ेगा। उनके कदमों को रोकने का वक्त आ गया। ऐलान है जिहाद का वक्त आ गया। हिंदुस्तानियों की बीवियां शमशीर से अपनी उंगली काट कर अपने शौहर को तिलक करती है, ऐसा सुना है हमने। इसे हमने अपने खून से रंग दिया है। उस खून की कसम, इसे म्यान में तभी रखिएगा जब ये उन सारे हिंदुस्तानियों के खून से नहा जाए। इंशाल्लाह फतेह आप ही की होगी। अगर हमारी फतेह ना थी सही था तुम्हारी आखिरी मुलाकात हमारी खफन वाली लाश से होगी। कुछ नहीं होगा आपको, आप लौटेंगे जरूर, और वो भी उन सभी हिंदुस्तानियों के सिर लेकर। और तब तक ये शायद आपका इंतजार करेगी। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे।
सब तैयार? तैयार। जी, हाँ जी, दुश्मन की फौज मुझे हजार में लग रही है। ये संदेश तो जल्दी शेरपा जी को देना पड़ेगा। पहला झंडा शर्मा जी, पहला झंडा दिख रहा है। दो झंडे मतलब 2000 बंदे। दो झंडे? मतलब 4000 मतलब 10 10 12 हजार बंदा हमारे साथ। रब जाने कि इन्होंने पहले किस पोस्ट पे हमला करना। ये तो अलग अलग तरफ जा रही है। जल्दी कर। Stop.
2000 बंदे इधर आ रहे हैं। Letter gives you the authority to redirect the troops from Lahore to Saragari. If you hurry, you may catch them. Please keep watching on Lahore. Reinforcements en route, reaching. Thank you, sir. Durmukh. हाँ जी बाजी. हमारी दोनों पोस्टों पर संदेश भेज दें. पंच पंच जाके दो दस्ते आ रहे हैं. हमला जल्दी होने वाला है. हो गया भाजी चंगा for 6 hours. Tell Isha to abandon it will. Ajay, Bulista se sandesh aa raha hai. साहब का संदेश है कि पेशावर से फौजियों का दस्ता आ रहा है पर पहुंचते पहुंचते 6 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे चलो रवड़ी मेरा दस्ता तैयार है पर पाजी 6 घंटे लग जाएंगे उनको आते आते कोई गल नहीं काके अब हिंग को ना 6 घंटे तक यहीं रोकना है पाजी यहाँ कैसे रोकेंगे वो तो तीनों तरफ जा रहे हैं और रोकेंगे जरूर रोकेंगे हीरा जी पाजी एक काम कर जी जनाब देखो जनाब एक हिंदुस्तानी सिख फौजी है ओए तलाशी लो इसको जी जनाब जनाब
पेशावर से बरतानिया फौज का पैगाम आवे 4000 दस्ते असला और बारूद लेकर वहां पहुंच गए गोलिस्तान सारागिरी और लौका की हिफाजत के लिए। शमशेर ठीक कह रहे थे, उसने 1000 से ज्यादा बंदे देखे हैं। ये बंदा अपना पैगाम लेकर वहां जा रहा होगा, मर गया। दुश्मन हमसे दो कदम आगे लग रहे हैं बादशाह, पर खुदा का मेरा हमारे साथ है। मैंने बोला दुश्मन का सारा खबर उनको पहले मिल जाता है। किस तरह मुकाबला करना है अब्दुल बादशाह? वैसे ही जैसे पहले तय किया था क्या? फिर और पहले हमने तय किया था कि हम एक ही वक्त पर तीनों किलों पर हमला करेंगे, लेकिन अब हालात बदल गए। अब मुझे लगता है तीनों किलों पर पेशावर से फौज आ चुकी है हिफाजत के लिए। अब हम एक ही वक्त पर सिर्फ एक ही किले पर हमला करेंगे। सबसे पहले सारागिरी, ताकि गोलिस्तान और लोकेट के बीच कोई पैगाम न मिल सके। दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़े तो फतेह हमारी होगी इंशाल्लाह। ओए सुनो, ओए बाकी 10 तो मैं पैगाम भेज दो। गुलपाशा ने वापस बुलाया है, हम सारागढ़ी की तरफ बढ़ेंगे। गुलपाशा ने वापस बुलाया है, वापस चलो। जनाब गुलपाशा ने वापस बुलाया है। वापस बुलाया है, चलो घोड़ों को वापस लाओ। बोला ते परा ए यो ना गल ते किरा अपना जुगाड़ कम कर गया। और जिस औरंगजेब की लाश को तूने हिंदुस्तानी वर्दी पहनाकर भेजा था, लगता है वो इस गुल बादशाह के हाथ पड़ गई है और इसने हमारा संदेशा पढ़ लिया है। तभी इसने अपना इरादा भी बदल लिया। अब इसे ऐसा लग रहा होगा कि हमारे फौजी दस्ते बढ़ चुके हैं और रोक लिया हमने इसे लुकाट और गुलिस्ता जाने से। अब ये अपने 12,000 बंदे लेके हमारी ओर आ रहा है। बस एक बारी पेशावर से बंदे पहुंच जाए, फिर हमें ये जंग जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आजा, ओए आजा गुल बादशाह, आजा। Thank you.
Why is the entire army of about 12,000 moving towards Sarigami? But why is Gulatek in Sarigami first? How on earth will Isha stop this huge army? Inform Gulistan that the troops will be there as soon as possible. के सामने एक ही सिख कल हॉकन को SOS भेजो। सारा गाड़ी को मदद की जरूरत है, वो सिर्फ 21 है। मेजर साहब का संदेश है साहब, सारागढ़ी को मदद की जरूरत है। सेंड अ मैसेज टू ईश्वर सिंह, लीव सारागढ़ी इमीडिएटली। जी साहब। छोड़ दो ईश्वर जी, कर्नल साहब का संदेश है, सारागढ़ी पोस्ट छोड़ने को बोल रहे हैं। वो लिख के हमारे पास तरकीब है, जब तक पिशावर से बंदे आते हैं हम इन्हें यहां रोक सकते हैं। अब मैं भरोसा रखे ये भी लिखो। हर बॉस की जिम्मेदारी जरूरी है, ऐसे कम नहीं चलता। और हमें क्या पता दुश्मन ने कब किस पोस्ट पर हमला करना है। हर बॉस की बराबर सुरक्षा होनी चाहिए। लुकाट पे और पे और बच्चे भी हैं, कुछ भी हो सकता है। पाजी उनका वापस संदेश आया है, वो कह रहे हैं हम जब चाहे पोस्ट छोड़ सकते हैं। और क्या? और पेशावर से लोखाट और गुलिस्ता के लिए संदेश है कि वो लोग अपनी पोस्ट बना कर रखें। तू जवाब भेज, लोखाट को भेज कि अपनी पोस्ट की सुरक्षा करें। ठीक है भाजी। कहना कि पेशावर हेडक्वार्टर से खबर आई है। हाँ जी, पर पाजी, हाँ, इसका मतलब हमारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा। ओए काके, ये वक्त ना मदद की राह देखने का नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए गुरमुख, हमने ना इस गुलबादशाह को इसका परचम यहाँ पे नहीं लहराने देना। ओए हमें के शेरी बड़े काफी है इसके लिए, है कि नहीं? बिल्कुल पाजी। चल जा, जिस दिशा आए तो मुझे बता देना। हाँ जी। और तैयार हो जा सारे फौजी, जल्दी। Thank you.
से किसी फौजी दस्ते को जाते देखे? नहीं जनाब, हमने किसी को नहीं देखा। लाहौर का रास्ता यही है ना? जी यही है। ठीक है, शुक्रिया। तरकीब काम कर गई, रुक गया कुल बादशाह, पर इस पर भरोसा नहीं करना, कभी भी हमला कर सकता है। सब तैयार रहो। वो हिंदुस्तानी फौजी की जेब से जो पैगाम मिला था वो सही था मेहमद अल्लाह। हमने सोचा था कि हमको सारागिरी पर कब्जा करने के लिए एक घंटा लगेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोगुना वक्त लगेगा। और पहले हम सारागिरी पर अपना परचम लहराएंगे, उसके बाद बाकी के दो खेलों की तरफ कूच करेंगे। Thank you.
सब लोग अपनी पोजीशन पर। पोजीशन बदलते रहो। उड़ा साइकिल को ऐसा लगना चाहिए कि बंदूकें बंदूकें चला रहे हैं। तैयार एक मुझे हमारे रेजिमेंट के 21 सिपाहियों की फिक्र होने लगी है। कुल बादशाह के हमला करने के डर धड़के से हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो छुप कर वार करने में माहिर है और अब की बार करीब आने तक हमें आहत भी होने नहीं देगा। आसमान में बादलों का घेरा है, इसका ये मतलब है कि टीम पोस्ट से मैसेजेस हम तक नहीं पहुंचेंगे। सारा घड़ी में क्या चल रहा है इसकी खबर भी हम तक नहीं आएगी। पेशावर से हमारी फौज निकल चुकी है लेकिन ये कहां पहुंची है हम नहीं जानते, और अगर इस दौरान उन पर हमला भी हुआ तो ये खबर हम तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए हमने तय किया है कि हमारे सिपाहियों की पेट्रोलिंग यूनिट दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखेगी और उनकी खबर हम तक पहुंचाती रहेगी। हम तैयार हैं साहब। नहीं, तुम दोनों नहीं, दोनों की यहां जरूरत है। दुश्मन हम पर कभी भी अचानक हमला कर सकता है। लाल सिंह जी साहब, उत्तम सिंह जी साहब, अमर सिंह जी साहब और निहाल सिंह जी साहब, तुम सब जाओगे। साहब तुम्हें कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहे। सही कह रहा पहलवान, एक तो पहले मुझे इस सुंदर से अलग कर दिया और अब किले से भी बाहर नहीं जाने दे रहे। What's happening in Saragadi? No communication possible with any other posts. There's no movement of the enemy either. Kul has been quiet for some time. Kuldeep Singh! Yes, sir. Samne gate mein aaj se hamari do patrolling units tanat rahenge. Aur dushman ki har movement ki khabar hum tak pahunchati rahengi. Yes, sir. Yaad rahe. Heliographic badlo ki wajah se kam nahi karenge. Yes, sir. सिंह और पुतले खड़े कर दे सारे। गुरमुख, कुछ हुआ काके? कुछ नहीं हो रहा पाजी। Yeah!
की आवाज है। ओ भाई गुरु, नहीं क्यों होया? ओ भाई, जिसका डर था आ रहे बंदे सारे। दद्दू सारा सामान ले आओ, वो नीचे है तो कोई उसको ऊपर बुला ले, ऊपर आओ। दद्दू गोली दे ले, गोलियां। दुश्मन सारागढ़ी की तरफ कई तोप और पूरी फौज के साथ आगे बढ़ रहा साहब। टेलीग्राफ की क्या खबर? कोई संदेश नहीं है साहब, क्योंकि आसमान साफ नहीं है। मेरा तू भी जा, एक भी बंदे की नजर हटनी नहीं चाहिए। जल्दी बताओ तो खड़े करना क्या आगे? हुक्म करो। अब बताता हूँ करके, और आगे रखो ध्यान अपना। आप बस हाँ करो बाजी, एक एक गोली पर दुश्मन का नाम लिखा है, इन सब की कमर खोद देंगे आज। ना एक भी बंदा गोली नहीं चलाएगा जब तक मैं ना बोलूं। हीरा जी, बाजी लाल सिंह, लाल बाजी बात सुनो मेरी। तुम दोनों नंद के साथ जाके जहां जहां आपने जली लकड़ी रखी है ना, उधर जाओ। उधर जाके मिट्टी का तेल फेंके, भरू उधर दो। चले जी साहब। और तीरों की बौछार होने वाली है, सारे बंदे अपने बचाव के लिए तैयार हो जाओ। फतेह।
जल्दी दुश्मन ने जितने भी बुत खड़े किए हैं तो का निशान है उन पर लगाया जाए। सही पहचाना गुलबादशाह, एक नकली फौज के डर से हम आगे बढ़ने से कतरा रहे थे। दुश्मन की चाल को समझे ही नहीं। सही पहचाना। ऐशर से एक बादशाह है और इस एक लाश को सिख के लिबास में भिजा रहा वो बेवकूफ बना है। और ये फौजियों को पुतला रास्ते में रस्सी और पंजियों का जाल हौसला है उसमें, पर अभी उसको अंदाजा होगा कि हमको उसके हर जाल की खबर है। लगता है सब कुछ समझ गया गुलबादशाह कि हमने किस तरीके से उसे हराया था। ओए अब उसे किसी भी बजूके का कोई डर नहीं है, वो कशेर की तरह आ रहा हमारे पीछे। बाजी आपका दिमाग तो बंदूक की गोली से तेज चलता है, मान गए गुरु। आपने तो दुश्मन की चाल समझ ली थी, वरना हम तो बेजुकों की कब्र में फायरिंग करना चाहते थे। अगर हम ऐसा करते तो गुलबादशाह हमारी धज्जियां उड़ा देता। तो बचा लिया आपने, अब आगे क्या है? ओके भाई, तेरा सारी तैयारी कर चुका है और जीवानंद मेहर अपनी अपनी पोजिशन पे तैयार है। बाजी तो भी क्यों असला बारूद खराब कर रहे हो गुलबादशाह? मैं जो भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। मैं बदला
पहली बात तो दुश्मन को पता लगना चाहिए कि हमें उसके जाल का अंदाजा है, और उसको ये भी पता लग जाएगा हमारा ताकत कितना। और अगर इन बंदों के पीछे कोई हिंदुस्तानी फौजी छुपा होगा तो उसका तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। मशाले ले आया पाजी। बहुत चंगा हो सारे बंदे से हाल हो जाओ इसे। मेरे हुक्म का इंतजार करो। लेकिन वो नहीं जानता गुलबादशाह को रोकना नामुमकिन है। अभी आपकी आखिरी तरकीब तो काम कर गई। और इस बार उनकी गिरफ्तार कम हुई है, हम ज्यादा देर तक उनको रोक नहीं पाएंगे। उम्मीद है कि तब तक पिशावर तक रास्ता पहुंच जाएगा। गुरुवार
जी लगता है मंडल दा। पता नहीं पाजी, कुछ पता नहीं, आधा घंटा भी लग सकते हैं, एक घंटा भी लग सकते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं पता। क्या पता, क्या पता, ऊपर वाले कहीं सहारा है अब तो। साहब, गुलबादशाह की फौज आगे बढ़ती जा रही है साहब, उन लोगों ने अब तोपों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। हमारी तरफ से जवाबी गोलाबारी जारी है, लेकिन वो तादाद में कई हजार है और सारागढ़ी में तैनात है सिर्फ 21 सिख फौजी। जुम्मा पे पोजीशन भर रहा हो और निशुमार से कोई इंफॉर्मेशन नहीं साहब, अभी तक तो नहीं। एक भी बंदा पकड़ा नहीं चाहिए।
वाहेगुरु। बादल और गहरा है, रब करे सब कुछ ना। और सुंदर भी चंगा कुछ नहीं होना सुंदर धोखा मेरा ना सुंदर कुछ नहीं होना। शर्पा जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे मेरे प्यार से अलग कर दिया। दो जिस्म एक जान है, आज तक एक दूसरे से अलग नहीं हुए पाजी। पर पाजी जो सुंदर भी कुछ हो गया ना तो मैं दर्द को क्या दिखाऊं। ऐसा कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना ऐसा। ऐसा ना सोच, वाहे गुरु है साढ़े नाल भैरम तुए। तो देखना शर सिंह और सारे बंदे इस कुल बच्चे को पका पका के मारेंगे। कोई नहीं बचना उत्ते, कोई नहीं। मुकाबला बेहद मुश्किल है बाजी। रब पर भरोसा रख, याद है ना तेनों, एक एक सिख समान लाख बराबर। Thank you.
जाओ बाजी, आप लड़ो। जाते क्यों नहीं, फर्ज निभाओ अपना। बाजी आपने मेरे तीर क्यों लिए हैं? राम, राम। ये आपकी है बाजी? छोड़ना नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं राम। पेशावर का दस्ता नजर आने लगा है साहब। किस तरफ? साहब दक्षिण की तरफ से। ट्रूप्स के बारे में 3 घंटे और लगेंगे। सेंड अ मैसेज। जी साहब। पेशावर से निकला हुआ दस्ता अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे में पहुंच जाएगा। किसी भी फौजी को अपनी जगह सहने लगी मोहलत मत देना। जो सर बाहर निकाले वो हमारे निशाने में होना चाहिए। आप बताओ
मेरी बात सुनो, पहले की तो आगे पीछे वाला दस्ता, सौ बंदों का पूरा दस्ता जाना चाहिए। नीचे 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 निकले निकले वहां निकले। सबसे बाद उसी पे सलाह शहीद हो गए। ये भी ना बात मेरे भतीजे। और चलो भाई, मेरे दादा भाई, मेरे दादा, सती, सती। नीचे नीचे। और दूसरी की बात नीचे। भाई चल बोला दस्ता। गोली और हमारे एक सिपाही की जान। आपने कम से कम नहीं तो बहुत ज्यादा तीन हजार बंदा उनका खत्म कर दिया। और किसे लगता है मौत का डर इधर? किसे लगता है मौत का डर? और मौत का डर बंदे को मरने से पहले ही मार देता है। कौन है यहाँ पे वो बुजदिल जो पहले ही मर चुका है? हमारे मन में मौत का खौफ होना तो रहता, खून ना खून नहीं रहता, पानी बन जाता है। है कोई बंदा यहाँ पे जिसकी रगों में बाजी मार रहा है? कोई नहीं। और जंग ना हथियारों से नहीं जीती जाती, न बड़ी बड़ी फौजों से जीती जाती है। जंग हिम्मत से जीती जाती है, हौसले से जीती जाती है, ना हारने वाले जज्बे से जीती जाती है। जो बंदा है ना कुल बादशाह, इसके इरादे नापाक है। हमारी जमीन पर पांव रखकर रोकना चाहता है ये उसे। बस बच्चों और औरतों का कत्ल करेंगे। कोई तो पहुंचते मेरे पास लगाट तकुलिस्ता टीवी सामने तेनो काट में मेन सब। और हमको कैसे मारना है मुझे अपने बच्चों की तरह? हमें उनकी रक्षा ऐसे करनी है जैसे हम अपने परिवार की करते हैं। करेंगे कि नहीं? उन तक दुश्मन को पहुंचने से पहले हमारा सामना करना पड़ेगा।
ये तो सांस है ना, मारी नहीं है, सच्चे बादशाह की है। ये जिंदगी मारी नहीं है, कैसी चली गई, चली गई। कोई सवाल से कोई शक कोई मैसेज सारा गाड़ी से नहीं सर। इसका मतलब सारा गाड़ी का हेलियोग्राफ काम नहीं कर रहा और गुलिस्तान से भी कोई मैसेज हम तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा फौज का दस्ता कहां पहुंच रहा है। Damn it. Have to try and touch base and find out what is happening. Have they been asked to retreat? And if yes, then why are they still firing? And who is doing the firing? Stop. हम दूसरी पलटन लेकर सारा गाड़ी जाएंगे। बलविंदर तुम भी साथ चलो। जी साहब। सारा गाड़ी को हमारी मदद की जरूरत है। हम तैयार हैं साहब। कला सिंह तुम हर वक्त यही रहोगे और जब भी कोई खबर आए हमें तुरंत खबर कर देना। जी साहब, मैं यही मुस्तैद रहूंगा। बलविंदर तुम दूसरी दस्ती को मिजली तैयार करो। आज यहाँ पे सारा बंदा सुंगरू से नहीं है, पंजाबी से नहीं है और ना ही कोई बंदा लोहा से है। आज हम सब सरफरोश है, हिंदुस्तानी है। बोले बात
आज जीवा सिंह तुम्हारे पराठे सेकेगा। बसेरे से बोले सारा गरीब तो सींचा, ये सारे गरीब थे गए हिंदुस्तान, और अभी तो सब खत्म होने वाला है ईश्वर सिंह। ये हिंदुस्तान मेरे साथ फिर से मिलने वाला सिमर बाबू, आप क्यों परेशान? आप चिंता मत करो, फौजी दस्ता आ ही रहा है, सब ठीक हो जाएगा। I'm missing Hira Singh. Now I'll never get to see him. उठा। मैं भी अपने भाई को कभी नहीं देख पाऊंगा। काश मैं उसके साथ होता, तो मैं उसके जगह शहीद हो गया होता। वो ही अकेला है, बाकी सब भी मेरे भाई हैं। आज उन सब की याद आ रही है। सारा गाड़ी भाई साहब, आधे मील की दूरी पर है, चलो जल्दी। दो दुश्मनों के साथ दो बहुत करना होता। ईश्वर भाजी, अपने फौजी रास्ते मत पहुंचने वाले। इन दी सपोर्ट फॉर इच अदर। हाँ सर। ये इधर क्या तुम्हारा गुरूर है? जीवा तो ठीक है, ठीक हूँ मैं। हिंदुस्तान को बचा नहीं पाया। बाकी है जीवा, सांस से भी कम है। अरे और कोने भी थोड़े आपके और थोड़े मेरे। आज आज जीवा जल स्नान नहीं करेगा। ए शेर सिंह, सारे के लिए हार गया। अलग रहियो करा, अग्नि स्नान जरूर करवा देगा। ये शहादत भी किसी किसी खुश नसीब को नसीब होती है। अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपनी बेटी को जाएंगे। अपने फौजी रास्ते मत पहुंचने वाले।
हो जो सरफरोश हम ये माटी ही बनेंगे सारे। लो पाजी संदेश आना शुरू हो गया है। ओ पाजी बताओ मैंने। अरे भाई गुरु क्या संदेश भेज रहे हैं? छह शून्य और सरप्रस्त हो जाएगा। अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची हूं। वही गुरु मेहर करूं पर मेहर करवाए गुरु मेरे मालिक। क्या खबर है? कुछ भी नहीं। काला सिंह कोई भी जवाब क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं मेम साहब, डर लगता है ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि खबर देने वाला ही शहीद ना हो गया हो। जब से ये जंग छिड़ी है हम सिर्फ शहीदों की गिनती ही कर रहे हैं। सिर्फ कुर्मुख ही एक ऐसा है जो संदेश भेजना चाहता है। ऐसा ना हो कि कहीं वो भी। हे वाहिगुरु मेहर कर, मेहर करो सब पर।
मेरे जवानों, नारायण राम तत्तू। अरे आप हम 36 सिंह रेजिमेंट के सिर पर छह साल फरोश बचे हैं। ओ अब तक यहाँ पे कम करने वाला सिर्फ मैं था, मलदार ईशा सिंह। लेकिन अब तुम सब अफसर हो। आज का हुक्म देने वाला कोई है? इनाम लेने वाला दुश्मन नजारों की तादाद में हमारे सामने। और जब तक हमारी आखिरी सांस चलेगी तब तक हम इसे अपना पर्चा भी आने जाने नहीं देंगे। बादशाह का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा।
हर फरोशी की अपनी मर्जी हमें बुलाए यानी व्यक्ति surgical delivery. Madam, deep breaths. Deep. I talk to her husband? Can I talk to her no, husband? It's not going to be possible. We don't know where he's reached. We can only send a message to Salagari and we're not getting a response. It's possible that the only man who can send and receive messages is no more. Is it true? हेलियोग्राफ से संदेश आने की उम्मीद नहीं लगती। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं उनकी मदद करने। ठीक है कालापा जी, मैं हूं यहां पे। वाहेगुरु आपके साथ है। मेरे भाई का दिल जीत दिया, मेरे भाई।
भाई को मार दिया। तेरे पास आ गया मैं, तेरी गोद में सर रखकर सब सब जानूंगा। सब ठीक है पाजी, मेरे सराहनी हुए साहब, मुझे भी चलना आपके साथ। शुक्रिया साहब, चला जा।
तुम्हारा सारा फौज मर गया है सरकार। अभी उनको नोच नोच के खाएगा राज को। और ये शहीद है खुदा, ये शहीद ना अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो रहे हैं, और जब तक ईश्वर से मिलता है ना तो इन्हें छू भी नहीं पाएगा। आप देना वहां भी रहेगा छुप रहे सर के। अभी वक्त आ गया तुमको भी लाशों के साथ सला रहे हैं सर से। हमको लगा सारा के एक घंटे में कम से कर लेंगे, इतना वक्त बर्बाद कर दिया तुमने हमारा। तो बादशाह तुझे इसकी सजा देगा, ऐसी मौत नसीब होगी कि मौत भी कांपेगी। ऐशर सिंह मोहम्मद Oh!
ऐसे खून पसीने से तूने सारा गरीब को सींचा। ये सारा गरीब तेरे लिए हिंदुस्तान है, पर अभी तो सब खत्म होने वाला है ईश्वर सिंह। ये हिंदुस्तान मेरे साथ मिट्टी में मिलने वाला है। हवादार ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह, ये इधर गया तुम्हारा गुरु रॉय, हिंदुस्तान को बचा नहीं पाया, हार गए। ईश्वर सिंह सारे के लिए हार गए। ओए ईश्वर सिंह सारा के लिए हार गया। ईश्वर सिंह गुलबादशाह से हार गया। हाँ, अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपने बेबी को देगा। इसको आपको बहुत खौफ है। अगर इस कमरे में आग लगा दी हो तो उसका हौसला परस्त हो जाएगा। ईश्वर सिंह कैसे खौफ के मारे छुप के बैठा है, और मैं तेरे सामने खड़ा हूं, बर्दाश्त नहीं कर सकता।
शेर सिंह। जब तक मेरी सांस चलेगी ना, तब तक ये सलागड़ी हमारी है। तो ठीक है फिर, अपने आखिरी सांस की तैयारी करें शेर सिंह। Let's go inside.